अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पीटा रैप। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने पीटा ब्रेड ली है। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिए पसंदे। पसंदे के अलावा हमें कच्चा पपीता, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वोस्टरशायर सॉस, ग्रीन चटनी, शिमला मिर्च, प्याज, खीरा और टमाटर सब लंबाई में काटे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम पसंदों को मैरिनेट करेंगे। पपीता, नमक मिर्च और वर्सेस्टरशायर सॉस, इसको मैरिनेट करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। घंटा हो गया हमारे मैरिनेट किए हुए, अब हम इसको चढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ताकि ये जो है अच्छा सा पक जाए। ठीक है, एक कप जितना पानी डाला है। अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे कि ये गल जाए, फिर हम इसको कोयले का धुआं देंगे। गल गया और देखिए हमने इसका पानी ड्राई आउट कर लिया। ठीक है, अब हम जो है ना इसको कोयले का फ्लेम धुआं देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। अंदर की फिलिंग पसंदे रेडी हो गए, धुआं भी आपके सामने दे दिया था। ठीक है, अब हमने जो है क्या किया है, हमने अपनी पीटा ब्रेड को तवे पे सेक लिया है। सेकने के बाद हम इसमें इस तरह बीच में कट्स लगा के पॉकेट बना लिए। पीटा पॉकेट्स बना रहे हम, तो उसके लिए हमने पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं, सब में इस तरह कट लगा दिया। ठीक है, अब इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पसंदे डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो चटनी तैयार की है, चटनी डाली। उसके बाद प्याज का स्लाइस रखेंगे इस तरह, शिमला मिर्च के स्लाइस जो हमने लंबे लंबे काटे हैं, टमाटर, खीरा, ये इस तरह हमारा एक पीटा पॉकेट तैयार है। एक और कर लेते हैं, पॉकेट बनाया हुआ है ये देखें। ठीक है, इसके अंदर जो है हम फिलिंग डाल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने चटनी डाली, वेजिटेबल्स फिलिंग कर रहे हैं। शिमला में टमाटर, ठीक है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल पर भी थोड़ी सी चटनी डाल दें। इस तरह हम अपने पॉकेट्स तैयार करेंगे। मज़ेदार से पीटा पॉकेट्स रेडी हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने रेडीमेड पीटा ब्रेड्स ले ली हैं। अगर आपको पीटा बनानी है तो मैं नीचे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स के साथ मेंशन कर दूंगी इसकी भी रेसिपी, तो आप घर में बना लें, वरना ये बहुत आसानी से और इतनी महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती पीटा ब्रेड अब मिल जाती है तैयार। इसको हमने इस तरह प्रेजेंट किया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है इसके सॉस के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।